नमस्कार, माटोलिया एसोसिएट्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 2 दिसंबर 2014 को की। इस स्कीम के अंतर्गत निवेश के क्या नियम है, आइए उनके बारे में जानते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के नाम अकाउंट खोले जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत पेरेंट्स या लीगल गार्जियन अकाउंट खोल सकता है। गर्ल चाइल्ड की एज 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह अकाउंट पोस्ट ऑफिस या नोटिफाइड कमर्शियल बैंक में खोला जा सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत अकाउंट खोलने के लिए गर्ल चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट तथा डिपॉजिटर का आइडेंटिटी एवं एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। इस अकाउंट में ईयरली डिपॉजिट मिनिमम 1000 तथा मैक्सिमम 150000 रुपये तक किया जा सकता है। इस अकाउंट में डिपॉजिट एनुअली या मंथली किया जा सकता है। इस अकाउंट में डिपॉजिट 15 वर्षों तक करना होता है तथा यह अकाउंट 21 वर्षों तक ऑपरेटिव रहता है। इस अकाउंट में डिपॉजिट्स कैश, चेक या बैंक ड्राफ्ट या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा किया जा सकता है। हायर एजुकेशन के लिए बच्ची की एज 18 वर्ष होने के बाद 50% का विड्रॉवल किया जा सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत अगर किसी वर्ष डिपॉजिट नहीं किया जाता है तो अगले सालों में उस ईयर के लिए 50 रुपया पेनल्टी लगाई जाएगी तथा मिनिमम डिपॉजिट उस ईयर के लिए करना होगा। किसी कारणवश अगर ये अकाउंट कंटिन्यू नहीं रहता है तो इसमें जो इंटरेस्ट अमाउंट क्रेडिट की गई है उसको बाईबैक कर लिया जाएगा तथा डिपॉजिट्स पर सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट दिया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत करंट इंटरेस्ट रेट 8.1% है। शुरुआत में ये इंटरेस्ट रेट 9.2% थी, जिसको सरकार ने नोटिफिकेशन के द्वारा 8.6 तथा बाद में 8.4 कर दिया था। इस अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है। टैक्स बेनिफिट, इस अकाउंट में जो भी अमाउंट डिपॉजिट की जाती है उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत अन्य स्कीमों में इन्वेस्टमेंट अमाउंट को मिलाकर 150000 रुपया तक मिलेगा तथा मैच्योरिटी पर जो भी इंटरेस्ट अमाउंट होगी वो फुली नॉन टैक्सेबल रहेगी। इस अकाउंट का फाइनल विड्रॉवल 21 वर्ष के बाद या 18 वर्ष के बाद बच्ची की शादी होने पर किया जा सकता है। हमारी आप सभी को सलाह है कि जिनके गर्ल चाइल्ड है तथा जिनकी एज 10 वर्ष तक है उनको सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम के अंतर्गत जरूर अकाउंट खोलना चाहिए। इसका रिटर्न भी अन्य स्कीमों से ज़्यादा है तथा इंटरेस्ट पूर्ण रूप से नॉन टैक्सेबल है तथा इन्वेस्टमेंट अमाउंट का भी इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत डिडक्शन मिलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियोज़ को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।